भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ए रमा, एक फालतू की बात मत कर। और हाँ, इसमें तो आपने ये भी नहीं लिखा है, जब ये झोकू काका किसी दूसरी औरत को लेकर आए थे तब सबसे ज्यादा अगर आपका किसी ने साथ दिया था तो शोभा काकी ने दिया था। नूतन बिल्कुल सही कहा कही तू मेरे चरित्र के बारे में। कौन नूतन? मैं हूँ नूतन, जिसके साथ तुम्हारा पति तुमसे तंग आकर भाग गया था। अभी हमार पत्नी है, हम एक साथ भी विवाह किए हैं। और अगर ये सब जोड़ेंगे ना तो आपके ये आठ आने भी कम पड़ जाएंगे। आपने ये नहीं लिखा है इसमें? ए, ए भीमराव, अपनी बीवी का समझा ले कि फालतू के बातें ना करे। बिल्कुल सही कह रही है रमा, ऐसे बात बात पर आप लोग डायरी लेकर हिसाब करने आ जाएंगे तो जो पन्ने इसमें नहीं है उनका भी तो हिसाब होगा ना। और ये बात सिर्फ आपके लिए और शोभा काकी के लिए लागू नहीं है, सबके लिए लागू होती है। हम सबको ये समझना जरूरी है कि रिश्तों में हिसाब करने का मतलब सामने वाले की परेशानियों का सामना करना होता है। तो क्या चाहते हो? कि खाता फाड़ के फेंक दें और ये सब खीर कपड़ा ये याद रखें, पूरा अपन पैसा भूल जाएं? मेरी ऐसी सोच नहीं है। आपने पैसे उधार दिए हैं ना तो देंगी ना वापस, थोड़ा इंतजार कीजिए, ऐसे परेशान क्यों कर रही है? नहीं 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 नहीं, हमें तो अपन पूरा का पूरा पैसा अब ही चाहिए और अपन पैसा लेने के खातिर अगर हमें थाने भी जाना पड़े ना तो हम थाने जाएंगे। ये सही रहेगा, ये भीमराव बहुत कानून कानून करता रहता है ना, तब कानून से ही पैसा लेंगे। चल फुलिया, चल थाने। और भीमराव, आज पहली बार तुम किसी को कानून की धमकी देकर नहीं गए हो बल्कि कोई दूसरा तुम्हें कानून की धमकी देकर चला गया मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों भाई? ये बात तो बहुत सही कही जनार्दन तुमने भाई, ये देखकर तो हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है तो खुश होते रहिए। पर वैसे भी आप लोगों को तो आदत हो गई है कि इस चाल में किसी के भी जीवन में परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो तो बाकी सब खुश हो जाते हैं। होते रहिए खुश। शोभा काकी, अब परेशान मत होइए, ये मामला पैसों का है ही नहीं, बस आपको परेशान कर रहे हैं। अब चाहे मामला जो भी हो मगर मैं फुलिया ताई का पैसा दूंगी। तुम्हें तो मिली है ना तनख्वाह, तो तुम क्यों नहीं दे देते पैसे? मैंने कहा ना अभी, मामला पैसों का नहीं है, जिस चीज का मामला है उसका समाधान ढूंढना होगा।
करुणा तुम भी साथ आ, चलो। अब मेरी बीवी ने क्या किया है? सोच रहा आप? सोच रहा हूँ कि जिंदगी और रिश्तों की उलझन कानूनी किताबें नहीं सुलझा सकती हैं। शायद आज पहली बार रिश्तों की उलझन और कानूनी सीमाएं साफ साफ सामने दिख रही है। लेकिन ये बात पुलिया का के थोड़ी समझेंगे। भुलिया, ये बार ना मौका अच्छा है, बस कौनो तरह शोभा का जेल पहुंचाए देवे का है, तो यही लहार बहार में भीम का एक तो बड़का समर्थक जेल चला जाएगा ना, तो हम लोगन का एहसास मिलेगा कि भीम के खिलाफ ओकरी लड़ाई में हम लोगन के जीत हो रही है, और ये बार भीम का मनोबल टूट के रहेगा और वो पक्का हारेगा। भीमराव नहीं हारेगा। हार ही नहीं सकता है। जब मैं दूसरे समाज का होकर समझ गया तो तुम सब भी समझ लो, उसी में भलाई है। शिशुपाल जी, ना 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 जी नहीं, सिर्फ शिशुपाल। हाँ तो शिशुपाल, तैसा भीम के दोस्त हो ही गए हो मैं। दोस्त नहीं, अनुयायी। अच्छा तो ऐसा है कि शोभा के ऊपर हमरी कुछ उधारी है, कुल 8 आना। हमें हमारा पैसा चाहिए और शोभा के पास देवे के लिए पैसा है नहीं। अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, और अगर नहीं है तो सीधा यहाँ से भाग के चाल निकल जाओ। कहे कि हम दोनों जने थाने जा रहे हैं और पुलिस को लेके सीधा चाल जाएंगे, और वो 8 आने के बदले शोभा को जेल पहुंचाएंगे। और तुम्हारा दोस्त है ना भीमराव, उस शोभा से कह रहा था कि हमारी उधारी देने की जरूरत नहीं है। गलत बोल रहा है भीमराव। उधारी लिए शोभा ने तो वापस तो करना पड़ेगा ना उसे, और अगर नहीं करेगी तो जाएगी जेल, और वही नहीं उसके साथ साथ भीमराव को भी जेल जाना पड़ेगा। इस मामले में हम तुम दोनों के साथ हैं। चलो थाने। बाबा, दरोगा आपका शिष्य है तो इस मामले में मत पड़िए। बेटा, पढ़ तो हम गए हैं, अब बस देखता जा तू कैसे इस 8 आने के चक्कर में तेरा भीमराव जेल के अंदर होगा। चलो
कहीं से आठ आने लेकर जाऊंगा। पापा क्यों लेकर आए आप इन्हें अंदर? और वो भी ऐसे हाथ पकड़कर? बाबा दुनिया के पहले ऐसे पति होंगे जिन्होंने कई बार अपनी पत्नी का हाथ प्रेम से ज्यादा गुस्से में पकड़ा होगा। सच कहा तुमने, यही सच है। और इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। हाथ छोड़िए मेरा। मगर लाए क्यों हैं आप ये तो बताइए। ये चुप रहेगी तो बताऊंगा ना। बताइए बताइए। जीजा भाई, ये मेरे पेंशन के कुछ पैसे। तुम तुम्हारी फुलिया को अपना मानती हो ना, तो लो ये पैसे और जाकर दे आओ। जोकू की बीमारी तुम्हें सच्ची लगती है ना, जाओ दे आओ। मैंने उधार लिए थे पैसे जो मैं दे आऊं, ये मेरे पति के पेंशन के पैसे हैं, इसे मैं अपने पास ही रखूंगी। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जीजा भाई। इस दुनिया में ज्यादातर लोग तमाशा खड़े करने वाले लोग होते हैं, इक्के दुक्के होते हैं जो उस तमाशा का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हल ढूंढने वाला कोई भी हो सकता है, अमीर गरीब, कमजोर मजबूत, स्त्री पुरुष, कोई भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी का हो सकता है। तो कोशिश करो कम से कम उन लोगों की जमात में शामिल हो जाओ। अगर ऐसा हुआ तो जीवन में कुछ अच्छा करो या ना करो, मगर हल ढूंढने की कोशिश जरूर करो। अब क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि जब दरोगा साहब आएंगे तब उन्हें जवाब देना पड़ेगा, तो ये जवाब सब लोग मिलकर देते हैं। कैसा जवाब? तुम अंदर से कॉपी और कलम लेकर आ। कॉपी और कलम का क्या करेंगे? बस लाओ ना रमा, शोभा काकी पैसे ढूंढ रही होगी, वो पैसों से उनके लिए जवाब ढूंढ रही है, और मैं अपने तरीके से फुलिया काकी के लिए जवाब ढूंढूंगा। ठीक है। पैसे दिए जाए, फिर आप क्यों पैसे ढूंढ रही हो? भीम क्या सोच रहा है ये वो जाने, सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है मुझे नहीं पता, मगर मैं फुलिया ताई का पैसा दूंगी, कहीं ना कहीं से दूंगी। पैसे मेरे पास भी है। भाव, मगर मैं आपके पैसे कैसे रख सकती हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो, इसलिए रख सकती हो। लो रखो, और इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए। मगर भीम भैया पैसे देने से मना कर रहे, ये हम सब क्यों नहीं समझ रहे? दीपक, जिसे मैंने बहन माना है, अगर वो कह रही है पैसे देना है तो देना है। जोड़ते हैं पैसे, जितना होगा उतना देंगे, जो नहीं होगा उसके लिए थोड़ा समय मांग लेंगे। मगर मुझे लगता है कि हमें भीम भैया की बात माननी चाहिए।
काका कुछ पैसे उधार मिलेंगे क्या? अरे बिरादरी से बाहर हो तो कैसे पैसे देंगे? चलो जाओ यहाँ से। श्यामला, कल तक इन्हीं लोगों के सामने खड़ा हो जाता था तो खुद से पैसे दे देते थे, और आज जब मैं मांग रहा हूं तो नहीं दे रहे। मेरे जन्मदिन पर ये सब शिशुपाल भतीजा कहकर मेरे घर में मेला लगा देते थे, और आज ये सब अठंडी नहीं दे रहे। इसलिए कहते हैं ना, व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति का वक्त होता है। अब आपने भी मेहनत करना शुरू कर दिया, आपका वक्त भी बदलेगा, और जब बदलेगा तो सब बदल जाएंगे। ओ शिशुपाल, मिल गए पैसे? क्या हुआ, नहीं मिले? मैं जानता था तुझसे कुछ नहीं होने वाला। बिना बाप की मदद के तू कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। चल तू भी तमाशा देख ले चौल में, देखता हूं तेरा भीमराव कैसे बचा पाता है अपनी शोभा काकी को। बचा लेगा बाबा, वो भीमराव है, उसके पास हर समस्या का समाधान होता है। हमें आज बिना पैसा के कोई समाधान काम नहीं करेगा। सुना? और भीम भैया ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं दिए जाएंगे। अच्छा है, फिर तो ये बड़ा रोचक केस है, क्यों मेघनाथ जी? हाँ हाँ बिल्कुल दारोगा साहब, अगर भीमराव ने ऐसा कहा है ना तो फिर तो असली मुजरिम वो भीमराव है, शोभा नहीं। आप ऐसा कीजिए, उस भीमराव को गिरफ्तार कीजिए और अपने साथ ले चलिए। चल तू भी देख ले अपनी आंखों से अपने आदर्श को जेल जाते हो। चलिए दरोगा साहब। ये भीम बाहर जो तमाशा कर रहा है, अपने समर्थकों को पास बुलाकर कुछ समझा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये करने क्या वाला है। फाड़ में जाए सब, मुझे तो जल्दी से कारखाना जाना है, आज आज मालिक साहब आने वाले हैं ना। तू जा, मैं तो परेशान हूं कि ये करने क्या वाला है। समझ गए ना आप सब क्या कहा इन्होंने? मुझे नहीं मानना ये, मेरे और पूरन भाव के पैसे मिला करके 3.5 आने हो चुके हैं ना, इतने पैसे देकर कह देंगे बाकी के पैसे बाद में दे देंगे। बात खत्म हो जाएगी, इतना बात को क्यों खींचने का? हाँ सही बात, किसी भी बात को खींचना क्यों? मैंने जैसा समझाया था वैसा कीजिए। चलो पीछे हटो, हटो पीछे। तुमने फुलिया के पैसे लिए थे, पैसे लौटा दो। 3.5 आने हैं, बाकी के पैसे बाद में दे दूंगी आपको। नाटक चल रहा है क्या ये? नाटक नहीं, मुझे तो लगता है कि एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है।
मुझे ये भी लगता है दरोगा साहब कि आपको इस सब के बीच आना ही नहीं चाहिए। भीमराव, न्याय की बात करते करते तुम ये भी तय करने लग गए कि पुलिस को कब आना है और कब नहीं आना चाहिए। मैं ये तय नहीं कर रहा हूँ दरोगा साहब, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये अदालत की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। ये मामला कानूनी नहीं, रिश्तों का मामला है। देखिए दरोगा साहब, किसी भी हाल में इस पुलिया को उसके पैसे मिलने चाहिए। अरे लीजिए इससे पैसा।